बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है ना, उसका नाम है टाइप्स ऑफ फैक्टर। तो तीन इम्पॉर्टेंट टाइप हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बेटा आती है पोजीशन वेक्टर, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट टाइप है, फिजिक्स के अंदर बहुत यूज़ होती है पोजीशन वेक्टर। तो अभी किस वेक्टर को बेटा मैं पोजीशन वेक्टर बोलूँगा? तो बड़ी आसान सी चीज़ है रिकॉग्नाइज करने का, जो वे वो बड़ा आसान है। अभी बेटा आपको मालूम है कि जो वेक्टर होता है ना, उसके पास दो पॉइंट होते हैं। एक होता है जी उसका इनिशियल पॉइंट और एक होता है जी उसका टर्मिनेटिंग पॉइंट। अगर किसी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट रहेगा, इनिशियल पॉइंट, अगर किसी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है, अगर वो ओरिजिन हो, टर्मिनेटिंग पॉइंट जो है वो जो मर्जी होए, ठीक है, लेकिन अगर उसका जो इनिशियल पॉइंट रहेगा, अगर वो ओरिजिन होएगा, तो बेटा उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। इस बात को प्लीज़ अपने माइंड में रखना है। जैसे मान लो कि ये आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, इसका जो अपने आपको मालूम है कि जो ओरिजिन होता है उसको हम कैपिटल ओ के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। जो इसका इनिशियल पॉइंट है वो कैपिटल ओ है, और टर्मिनेटिंग पॉइंट आप कुछ भी मान लो, ए वाला। अभी ये वाला जो वेक्टर रहेगा बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ माई पोजीशन वेक्टर। सो ओ ए भी पोजीशन वेक्टर है। इसी तरह से जो ओ बी रहेगा वो भी पोजीशन वेक्टर रहेगा। इसी तरह से जो ओ सी होएगा वो भी एक पोजीशन वेक्टर होएगा, ठीक है, क्योंकि जो इनके इनिशियल पॉइंट हैं वो जो वो हैं वो ओरिजिन है, लेकिन टर्मिनेटिंग पॉइंट कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बोला। इसी तरह से एक बात और आपको बता दूं कि जो पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर के साथ। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल आर, ऐसे। लेटर के ऊपर हम क्या डाल देंगे? वेक्टर डाल देंगे, क्योंकि ऊपर वेक्टर डाला होगा, एरो डाला होगा, तभी हम उसको वेक्टर बोलेंगे ना। तो जो पोजीशन वेक्टर होता है उसके लिए हम लेटर यूज़ करते हैं स्मॉल आर। इसको प्लीज़ अपने माइंड में रखना। जब कभी भी आप आर वेक्टर देखो, तो आप उसी टाइम पे ये समझ लेना कि ये एक पोजीशन वेक्टर है। इसके अंदर जो उसका इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन है, ठीक है। एंड बेसिकली एक बात और बात है कि जो पोजीशन वेक्टर होता है ना, इसका मेन पर्पस होता है ये पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस लेता हूँ, सॉरी, जैसे मान लो ये मेरा है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मेरे पास है बेटा वाई एक्सिस, और ये मेरे पास है जेड एक्सिस, ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है। अभी मान लो कि स्पेस में ये एक पॉइंट है, इसका नाम रख लेते हैं ए, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ओ पॉइंट को ए पॉइंट के साथ मिला देता हूँ, ठीक है, तो ये एक लाइन सेगमेंट बन गया। अभी मैं इसके ऊपर एरो डाल दूंगा, तो बेटा अभी ये लाइन सेगमेंट नहीं रह जाएगा, ये बन जाएगा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो बेटा आपको मालूम है कि जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वेक्टर। लेकिन ये वाला जो वेक्टर है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है? वो ओरिजिन है। तो ये वाला जो ओ ए वैक्टर होएगा वो बेटा मेरे पास क्या होएगा? वो एक होएगा पोजीशन वेक्टर। तो अभी पोजीशन वेक्टर का मेन काम क्या है? इट रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मतलब ये हमें ये बताता है कि जो ए वाला पॉइंट है वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है और किस डायरेक्शन में है, ठीक है। ये काम होता है पोजीशन वेक्टर का। तो ये पॉइंट की पोजीशन बताता है कि जो पॉइंट है स्पेस के अंदर वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है और किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि पोजीशन वेक्टर OA रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ये बेटा काम है पोजीशन वेक्टर का, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अपने माइंड में रखना।